Assalamu alaikum. This is Farooq Rashid and welcome to this video series on tax awareness by bfiler.com. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टैक्स लॉज का एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी टैक्स इंसिडेंस को और कितना मुझे टैक्स पे करना है, क्या मेरी टैक्सेबल इनकम होगी, इसे बड़ा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है. दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. इससे क्या मुराद है? अमूमन तो एक बड़ी ही कॉमन नॉलेज है कि अगर मैं किसी फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्क का शहरी हूँ, मैं सिटीज़न हूँ, तो आई वुड बी फॉर एग्ज़ाम्पल अ सिटीज़न और अ रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री. लेकिन टैक्स लॉज इस तरीके से फंक्शन नहीं करते. टैक्स लॉज में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हम यहाँ पे क्योंकि बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में आपका फिज़िकली स्टे जो है किसी साल के अंदर वो कितना है. तो लेट्स से जिस भी टैक्स ईयर की हम बात कर रहे हैं, अमूमन जो टैक्स ईयर है हमारा वो पहली जुलाई किसी भी साल की पहली जुलाई से लेकर अगले साल की 30 जून तक जाता है. सो दीज आर 12 मंथ्स जिसे टैक्स ईयर कहा जाता है. तो इन 12 महीनों के अंदर जो है वो ये कैलकुलेशन की जाएगी कि आप पाकिस्तान में फिज़िकली क्या एटलीस्ट 183 डेज या तकरीबन 6 महीने कह लें या इससे ज़्यादा फिजिकली प्रेजेंट थे या नहीं थे. अगर तो आप पाकिस्तान में फिजिकली प्रेजेंट थे फॉर 183 डेज और मोर, तो आप यहाँ पे एक रेजिडेंट कहलाएंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्स लॉ. और फिर देन दिस हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस जिसे भी हम ज़रा डिस्कस करते हैं. सो ये क्राइटेरिया नंबर वन कि मैं पाकिस्तान में पिछले टैक्स ईयर के अंदर, ये जो मेरा रेलिवेंट टैक्स ईयर है, उसमें मैं 183 डेज या उससे ज़्यादा फिजिकली प्रेजेंट था या नहीं था, क्राइटेरिया नंबर वन. दूसरा हमने ये भी देखना है अगर फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज़ कंपैरेटिवली अ रीसेंट अमेंडमेंट, अगर ये कहा जाता है कि मैं पाकिस्तान में 6 महीने तो नहीं था, अब क्या किया जाए? अब ये देखा जाएगा कि क्या आप 120 डेज थे या नहीं थे, यानी तकरीबन ये 4 महीने हो जाते हैं. सो लेट्स से आप 120 डेज थे एंड देन साइमल्टेनियसली पिछले 4 सालों के अंदर आप कम से कम 365 डेज या उससे ज़्यादा फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद थे, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप पाकिस्तान में रेजिडेंट कहलाएंगे और एक रेजिडेंट के ऊपर जो इम्प्लीकेशंस अराइज होती हैं वो सारी आपके ऊपर अप्लाई होंगी. अच्छा, एक छोटा सा क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आप फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ पाकिस्तान, इवन इफ़ यू हैव बीन पोस्टेड अब्रॉड, आप किसी कॉन्सुलेट में हैं, आप ट्रेड अटाचे हैं, जो भी हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर पोस्टेड हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ यू फिजिकल स्टे आप रेजिडेंट तो हैं ही हैं. सो ये 3 क्राइटेरियाज हमने डिस्कस कर लिए. इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? एक जो रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है उसकी ना सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है वो टैक्स की जाती है, लेकिन अगर इनकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम भी है, लेट्स से दुबई में कोई इनकम है, कोई यूके में इनकम है, यूएस में इनकम है, उसको भी इन द फर्स्ट इंस्टेंस पाकिस्तान में टैक्स किया जाएगा अनलेस वी हैव अ टैक्स ट्रीटी विद दैट कंट्री. बहुत सारे तकरीबन कंट्रीज़ के साथ हमारी टैक्स ट्रीटी है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई रेजिडेंट है, उन्होंने वहाँ पे जो इनकम कमाई है उसके ऊपर आप टैक्स कर लें, उनसे टैक्स ले लें, और यहाँ पे जो उन्होंने इनकम कमाई उसे हम टैक्स ले लेंगे. इन ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को कहा जाता है ट्रीटीज़ फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन. तो तकरीबन जो भी मेजर कंट्रीज़ हैं अमूमन जहाँ पे पाकिस्तानी रेजिडेंट्स का काम होता है, उन कंट्रीज़ के साथ हमारा ये ट्रीटी होता है फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, जिसका बाय एंड लार्ज मतलब ये होगा कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपका फॉरन इनकम वहाँ पर टैक्स होगा उस रिस्पेक्टिव कंट्री में, और पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है वो यहाँ पे टैक्स होगा. ऐसे ही फॉर एग्जांपल इसको हम इसके बरक्स ले लेते हैं, आप पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट हैं. नाउ दिस इज हाईली रेलिवेंट जो कि हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं जीसीसी में, यूरोप में, यूएस में, अदर कंट्रीज़ में, उनका फिर देखा जाता है अक्सर ही उनका ये सवाल आता है कि क्या मेरी जो फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट्स हैं वो भी मुझे पाकिस्तान में रिपोर्ट करने हैं, या फॉर एग्जांपल सिर्फ जो मेरी पाकिस्तान इनकम है यहाँ के एसेट्स हैं वहाँ पर डिक्लेयर करने हैं. तो ये तो एक बड़ा हमारा रूल ऑफ थंब हमने जहन में रखना है कि बेशक आप नॉन रेजिडेंट हो, जो आपका पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो हमेशा आपका पाकिस्तान में टैक्स हो गई होगा. अगर फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में, लेट्स से डिविडेंड आपकी इनकम है, कैपिटल गेन टैक्सेशन है, आप यहाँ पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपका पाकिस्तान सोर्स इनकम हमेशा जो है वो यहीं पे टैक्स होगा. लेकिन जो आपका वेल्थ स्टेटमेंट है, जो आपके एसेट्स हैं, लोकल एसेट्स हैं, बाय लॉ इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट, जिसका क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, तो इफ़ यू आर अ नॉन रेजिडेंट बाय लॉ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट योर वेल्थ स्टेटमेंट. आपने बताना नहीं है कि पाकिस्तान में कितने आपके एसेट्स हैं, क्या उसकी रेकंसिलिएशन थी, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप बता दें. लीगली यू आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड.
बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस अगेन आई वुड से कि आप डिक्लेयर कर दें, आप अपना वेल स्टेटमेंट वगैरह जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट कर दें और उसकी रेकन्सिलेशन भी रिपोर्ट कर दें। नाउ ऑल ऑफ दिस इफ यू कम ओवर टू bfiler.com, ये तमाम चीज़ें जैसे ही, क्योंकि ये एट्रीब्यूट जो है कि आप एक नॉन रेजिडेंट हैं, ये हम स्टार्ट में ही फॉर एग्जाम्पल bfiler.com पूछ लेते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती ये है कि एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिया कि ओके यू आर अ नॉन रेजिडेंट, तो फिर बिकॉज अगेन यू आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फाइल योर वेल स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिकली हमारे ये जो डायनामिक प्लेटफॉर्म है ये इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, एंड देन आप बड़े अच्छे तरीके से जो सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड है हमें टू फाइल योर टैक्स रिटर्न वाया bfiler.com, सिर्फ वो आपसे पूछी जाएगी। सो आई होप इस वीडियो के अंदर जो एक रेजिडेंशियल स्टेटस है और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी वो एक अच्छे से आप समझ गए होंगे। आप डू स्टे कनेक्टेड टू अस, ये हमारी जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम बहुत सारे वेरिड टॉपिक्स कवर करेंगे और बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। टू कम ओवर टू bfiler.com एंड लर्न अबाउट दीज टैक्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।